सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज मी अरमान शर्मा। और थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा आपको कि इंडियन आर्मी पार्ट 4 आ चुका है। काफी टाइम से कमेंट सेक्शन में भाई बस मैं यही पढ़ रहा था कि इंडियन आर्मी पार्ट 4 लाओ 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 जल्दी लाओ। तो फाइनली आ चुका है। विंटर के सारे नए आइटम आपको इस वीडियो में मिलेंगे और क्या क्या रहेगा वो आपको भैया बताएंगे। तो भैया से इंट्रो लेते हैं नए व्यूवर्स के लिए और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी भैया, कैसे हो आप लोग? बस मस्त है भैया, अपना बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भैया। तो हमारे जो नए ऑडियंस है उनको आप अपना एड्रेस बता दीजिए एक बार, कहाँ पड़ेगी आपकी शॉप? मेरा छोटा भाई बताएगा, बताइए आप। अच्छा, एड्रेस हमारा है सदर बाजार कैंट अयोध्या स्टेट उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, फिर बाकी तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एड्रेस डल जाएगा और चेक कर लेना आप लोग, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा प्रॉपर एड्रेस। तो आज की भैया वीडियो में होने क्या क्या वाला है, क्या नई नई चीज़ आप दिखा रहे हो इस साल जो आई है ठंडी के लिए? विंटर की काफ़ी नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे जैकेट हो गई, जैकेट भी मेरे पास कई वैरायटी की हैं, हैंड ग्लव्स हो गया, कैप हो गई, मतलब काफ़ी वैरायटी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। जैकेट की कितनी वैरायटी होगी आपके पास? मेरे पास कम से कम 16 से 17 वैरायटी की जैकेट है मेरे पास। और ग्लव्स? ग्लव्स भी मेरे पास 1 से लेकर 5 तक के ग्लव्स होंगे आपके पास, मतलब 5 तरह के ग्लव्स हैं मेरे पास। ग्लव्स हैं और कैप? कैप भी हमारे पास 1 से लेकर 3 तक कैप है, उसमें भी नई नई भी चीजें और आएंगी। अच्छा, अभी फिलहाल स्टॉक में मेरे पास 3 वैरायटी है। चलिए फिर, और स्लीपिंग बैग भी होने वाला है? स्लीपिंग बैग भी होने वाला, काफी वैरायटी का है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोदाम जाना पड़ेगा या कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो फिर स्टार्ट मैं अपने काउंटर पे करता हूँ। अच्छा, तो नए स्टॉक सारे यहीं लगे हैं फिलहाल अभी, तो फिर नीचे चलेंगे। हाँ, फिर नीचे। चलिए ठीक है फिर। तो हाँ जी भैया, कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो आप? और कैप और फेस मास्क वगैरह स्टॉक्स वगैरह दिखाऊंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए मेरे पास सबसे पहले वैरायटी का ग्लव्स ये है, फिर उसके बाद ये डार्क ग्रीन का है ग्लव्स, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें डिज़ाइन मिलेगी, फिर ये कोबरा कलर का हैंड ग्लव्स है, ये फिर योद्धा कलर का हैंड ग्लव्स है। मेरे पास टोटल 5 हैंड ग्लव्स हैं, ये आप देख लीजिए, कॉइन कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है, और इसके बाद मैं आपको कैप दिखाने वाला हूँ जो इंडियन आर्मी लिखा होगा, जो भारत की जान इंडिया की शान है, और ये कैप ये होगी जो भारत का लोगो बना होगा। अच्छा, मेरे पास 2 वैरायटी की कैप होगी, अब ये मंकी कैप है, ये 2-in-1 कैप है, जहाँ आप ब्लैक पहन सकते हो, जहाँ आप ग्रीन पहन सकते हो, 2-in-1 है। और एक कैप मेरे पास और है, ये देखिए, ये बहुत लॉन्ग कैप है, ये लॉन्ग कैप में। हाँ, और एक चीज़ और है मेरे पास, ये फेस मास्क है, जहाँ आप इसको पहन के दिखा दीजिए, बना सकता हूँ, जहाँ आप इसको ये बना सकते हैं। हाँ, फेस मास्क ये भी पहन सकते हैं, और या ये बताइए, जहाँ आप कैप बना सकते हैं, जहाँ इसको फेस मास्क बना सकते हैं, आप दोनों चीज़ यहाँ दोनों चीज़ बना सकते हैं। और मेरे पास कई वैरायटी के सॉक्स हैं, ये चिक कपड़ा में मेरे पास सॉक्स मिल जाएंगे आपको, और ये ग्रीन में इंडियन आर्मी में मिल जाएंगे, इसमें मोटी पतली 2 वैरायटी की मिलेंगी, और ये उंगली वाली भी आपको मिल जाएंगी मेरे पास सॉक्स। और ये भी सॉक्स लगी हुई है, ब्लैक सॉक्स लगी हुई है, ये इससे अच्छी लॉन्ग में लगी हुई है, इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, इसमें आर्मी लिखा है, इंडियन आर्मी लिखा हुआ, पेस्ट इस पे आर्मी लिखा है और इस पे इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मेरे पास और भी वैरायटी के सॉक्स हैं, मतलब कि मेरे पास 1 से लेकर 15-16 वैरायटी के सॉक्स हैं फिलहाल, तो मेरे काउंटर पे अभी यही लगी हुई हैं, जैसे कोई डिमांड करता है या कोई मांगता है तो मैं उसको और दिखा देता हूँ। और दिखा देते हो? हाँ। आपके पास टोटल आइटम यहाँ पे हैंड ग्लव्स है, कैप है, कैप है, मंकी कैप है, फेस मास्क है, सॉक्स भी कई वैरायटी के। अच्छा, और बाकी जो भी है अब सब मेरे गोडाउन में लगा हुआ है, जैकेट है, विंड चीटर है, स्लीपिंग बैग वगैरह, वो सारे गोडाउन में। तो ठीक है, यहाँ का स्टॉक खत्म हो गया, ये सारे नए स्टॉक है, चलते हैं अब गोडाउन की तरफ। तो चलिए, मैं आपको गोडाउन में जाते जाते एक चीज़ और दिखा दूँ, मेरे पास जर्सी है, एक ग्रीन कलर की जर्सी है, मुझको मिल जाएगी, ये भी 2 वैरायटी की मिलेगी आपको, इसमें सारे साइज मिल जाएंगे आप, सारे साइज ठीक है। और ये जर्सी ये है मेरे पास, स्लेटी कलर की है ये, मेरे पास 2 वैरायटी की जर्सी आपको मिल जाएंगी। अच्छा सर, सारे साइज इसमें मिल जाएंगे। और एक चीज़ में जैकेट भी मेरे पास ऊपर लगी है, ये देखिए, पहले ये जैकेट आप देख लीजिए, ओपन इंडियन आर्मी, इंडियन ये आपके फ्रंट में ये है, बैक में ये है इंडियन, और इसमें ये खासियत है, ये 2-in-1 जैकेट है, अगर बंदा चाहे इसको सिविल में पहनना चाहे सिविल में पहन सकता है, आर्मी पहनना चाहे आर्मी में पहन सकता है। अच्छा, अंदर से एडिडास लिखा है, मतलब इसको टर्न करके भी पहन सकते हैं, एडिडास लिखा हुआ है, ग्रीन में इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, अगर आप ड्यूटी करेंगे इंडियन आर्मी में ड्यूटी टाइम, आप ये पहन सकते हैं, अगर आपको सिविल में कहीं जाना है तो ब्लैक में एडिडास लगा हुआ। अच्छा, दूसरी खासियत है। चलिए दूसरी भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे। ठीक है आइए, चलिए मैं अपने गोडाउन में और भी काफी वैरायटी में आपको दिखाता हूँ। हम लोग गोडाउन आ चुके हैं और यहाँ विंड चीटर और जैकेट वगैरह लगी हैं, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कितने कितने प्रकार की मेरे पास जैकेट हैं और क्या उसकी खासियत है।
ठीक है मैं आपको दिखाने के लिए स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए मेरे पास कंबाइंड कलर की जैकेट होंगी, इसकी मेरे पास सारी साइज मिल जाएंगी, नेम प्लेट आगे लगा होगा। इसका आप फ्रंट देखिए और बैक देखिए, ठीक है। मैं आपको इसको खोल के आराम से दिखाता हूँ। देखिए इसमें बटन भी लगे हुए हैं और चेन भी लगी हुई है। ये देख लीजिए आप, ये इसके अंदर का देख लीजिए, ये फर लगा हुआ है ब्लैक कलर का। अच्छा सर, ठीक है। ये आपने मेरी एक जैकेट देख लिया, अब मैं आपको इससे और जैकेट ये दिखाने वाला हूँ। ये भी कंबाइंड है, इसमें भी अलग खासियत है। ये और इस पे खासियत में बता देता हूँ, इस पे बर्फ वगैरह और पानी वगैरह नहीं रुकेंगे, इस पे तुरंत सिलक जाएंगे। ये सिल्क के कपड़े की है और बहुत अच्छी वैरायटी की है। आपके पास न्यू पैटर्न है, इसके देख लीजिए अंदर में फर लगा, उसमें ब्लैक लगे थे, इसमें ग्रीन लगे हुए हैं। अच्छा सर, ठीक है। आपकी ये हो गई, और एक मेरे पास जैकेट आई है, इसके बाद लेटेस्ट जैकेट ये आई हुई है। इसको बहुत मतलब हल्की जैकेट है, आप पहनो आपको लगेगा नहीं कि आप जैकेट भी पहने हैं। और इसमें खासियत मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, इसमें ग्रीन है और आधे कपड़े लगे हुए हैं, आधे ये लगे हुए हैं। और इसमें देख लीजिए चेन आपकी यहाँ लगी हुई है, पॉकेट ही बनी हुई है, यहाँ पे भी पॉकेट बनी हुई है आपकी। और एक पीछे और भी मैं बता देता हूँ, इसमें पीछे भी चेन लगी हुई है, पीछे भी पॉकेट है। ये इस जैकेट की ये खासियत है। और इसमें दो वैरायटी है मेरे पास, ये पहली फर्स्ट टाइम मैंने आपको वैरायटी दिखा दी, और सेम टू सेम यही है, वैरायटी में कोई अंतर नहीं है, बस में कलर का अंतर है। जैसे वो हल्का था, इट्स नॉट डार्क है अंदर, बाकी सारे सिस्टम वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहली जैकेट में मैंने आपको दिखाया है, और कंबाइंड कलर की और जैकेट मेरे पास ये होगी, मैं भी आप उसको दिखाता हूँ खोल के। कंबाइंड है ये, कंबाइंड ये भी है, ये देख लीजिए आप। इसमें फल लगा था, इसमें अंदर से कपड़ा लगा हुआ है, इसमें अगल बगल चेन लगी हुई है। ये भी टू इन वन है? हाँ, ये भी, ये टू इन वन नहीं है, ये टू इन वन नहीं है। कंबाइंड जैकेट मेरे पास और है, इससे आपने देखा था उसमें कॉलर बना था, ये स्टैंड कॉलर की है ये। हाँ, उसमें कॉलर बना है, ये स्टैंड कॉलर की है। सारे सिस्टम वही है, सारे जी सारे सिस्टम वही है। और एक नई जैकेट ये आई है, इसको आप जाए हाफ बना सकते हैं और जाए फुल बना सकते हैं। अच्छा, हाफ और फुल दोनों कर सकते हैं, दोनों बना। साइड से चेन लगी होगी? साइड से चेन मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसमें मतलब आपको कैसे खोलना है। ये देख लीजिए, इसका मैं बाजू खोल रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, इसका बाजू ऐसे खुल गया है। एक का बाजू मैं और खोल रहा हूँ, लीजिए आप। अब इसको जो हाफ बना सकते हैं, और फुल तो मैंने आपको दिखाया था। ये टू इन वन हो जाएगी? टू इन वन, ये टू इन वन नहीं है, मतलब हाफ और फुल कर सकते हैं। इसमें इसको देखिए, इसका फर इतना डार्क लगा हुआ है। बहुत मस्त जैकेट है, बहुत लेटर जैकेट है ये। अच्छा, ये आपकी जैकेट। और भी मेरे पास कई वैरायटी है। अब ये मेरे पास तोता कलर की है, ये कोबरा कलर इसे कहते हैं, ये जैकेट है। दिखा दीजिए इधर सामने से, आपको जैकेट दिखा सकता हूँ। देखिए बटन लगे हुए, सारे जैकेट में आपके बटन और चेन लगे होंगे, ये देख लीजिए आप। इसके भी फर ब्लैक लगे हुए हैं, इसमें भी सारे साइज आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये हो गई। और इस जैकेट में भी बर्फ और पानी नहीं रुकेंगे, सिल्क की जैकेट है। इसमें भी कैप लगे हुए हैं, ये देखिए कैप है ये पीछे, और ये आप कैप निकाल भी सकते हो, आप कैप सब में निकाल सकते हो। हाँ, तो बढ़िया, कैप भी निकाल सकते हैं आप। और इससे जैकेट और आपको मिलेगी एडिडास की, ये जैकेट बहुत बेहतरीन, अच्छी, नया आपकी बार मॉडल आया हुआ है एडिडास। हाँ, एडिडास का है, बहुत इसकी डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मंगाई थी, मैंने शुरुआत में ही मेरी काफ़ी बिक गई, इसका स्टॉक बहुत नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। देखिए ब्लैक फर लगे हुए हैं, जैकेट बहुत मस्त है ये। जो भी बंदे को मैं दिखाता हूँ उसको तुरंत ये पसंद आ जाती है, ये वाली जैकेट। ठीक है, ये जैकेट और है मेरे पास, ये मिलेगी, बहुत हल्की जैकेट है ये, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, लगेगी नहीं कि आप कुछ ये जैकेट पहने भी हैं। ये आपकी बार नया मॉडल आया है उसका, ये देख लीजिए आप इसकी खासियत। इसकी यहाँ पे भी पॉकेट है, आपकी यहाँ पे भी पॉकेट है, एक ग्रीन कलर का ये है, और इसके आप कैप भी निकाल सकते हैं, और इसका बैग देख लीजिए आप। ठीक, और अच्छा, एक मेरे पास ये होगी जैकेट, ये भी वैरायटी की है, भी बहुत डिमांडिंग रहती है इस जैकेट की भी, ये भी है, ये भी है। और ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ विंचीटर। मैंने आपसे बोला था कि विंचीटर भी मेरे पास है, मैं आपको विंचीटर दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए विंचीटर, ये
ये देख लीजिए आप, अंदर कमांडो लिखा हुआ है विंचीटर के अंदर। हाँ ये विंचीटर कमांडो लिखा हुआ है, ये हमें शायद कंफर्म नहीं लग रहा लेकिन ये 2-in-1 जैकेट लग रहा है। हाँ ये 2-in-1 है, 2-in-1 ये आप 2-in-1 पहन सकते हैं, ब्लैक भी पहन सकते हैं, ग्रीन भी पहन सकते हैं। हाँ ये 2-in-1 है विंचीटर, ये देख लीजिए ब्लैक पहनेंगे कमांडो लिखा होगा, ग्रीन में कुछ सिंपल लिखा होगा। अच्छा अच्छा आप देख लीजिए, और ये मेरे पास एक विंचीटर और है, ये पतला है काफ़ी, मतलब ये बहुत बंदे नॉर्मल मांगते हैं, ये नॉर्मल ठंडी के लिए विंचीटर ये इंडियन आर्मी फ्लैग के साथ। हाँ और ये पीछे कमांडो लिखा होगा। अच्छा ये बढ़िया, ये हो गए आपके विंचीटर हो गई। और मेरे पास जैकेट है, मतलब कि अब ऐसे ये जैकेट आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की भारत का लोगो लगा हुआ है, कैप है, ये देख लीजिए आप ये जैकेट है, और इसमें कि आपको ब्लैक है, इसमें कि आपको ग्रीन भी मिल जाएंगी, इसमें भी सारे साइज मिल जाएंगे आपको, सारे साइज सारे साइज। और इसके पीछे ये है कमांडो लिखा हुआ है, कमांडो। हाँ और ये भी है, इसमें भी देखिए एक खासियत ये है कि योद्धा बना हुआ, आधा ग्रीन है आधा योद्धा है, ये स्टैंड कॉलर की है, ये देख लीजिए आप। अच्छा सर। मेरे पास और एक ये 2-in-1 जैकेट है, ये योद्धा की है, आप इसको बदल के चेंज भी करके पहन सकते हैं आप, ये देखिए आप इसको 2-in-1 जैकेट है, ये बाहर से अंदर से ग्रीन है और बाहर से ये योद्धा है। अच्छा ये 2-in-1 जैकेट है, योद्धा में ये तो। हाँ योद्धा। और मेरे पास अब मैं आपको जैकेट भी और भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास तीन सूटर मतलब आए हुए हैं, तीन टी शर्ट आई है, नहीं मेरे पास नई पैटर्न, नई पैटर्न की। देखिए आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कोबरा आती जो गर्मी में पहनी जाती है, और ये ठंडी के लिए। अच्छा मोटे कपड़े। हाँ ये मोटे कपड़े की, ये कोबरा कलर की है। एक ये आपका पैटर्न हो गया, एक आपका पैटर्न ये हो गया ग्रीन कलर है, जो भारत का लोगो बना हुआ है, ये देख लीजिए आप स्वेट स्वेटर की। हाँ ये स्वेटर है, ये पीछे कमांडो और बाहर आगे भारत का लोगो। और इसी में की एक और आई जिसमें कमांडो नहीं लिखा हुआ है, मैं भी वो आपको दिखाता हूँ, कहाँ रख दिया मैंने, एक और ही उसमें ये योद्धा कलर की है, ये मोटे में है, ये देख लीजिए आप स्वेट शर्ट कह सकते हैं। आप कुछ भी कह सकते हो इसको, मतलब कि ठंडी में पहनने के लिए है ये। चलिए ठीक है ठीक है। और आइए मैं आपको और भी जैकेट दिखाता हूँ, देखिए जैकेट ये भी डिमांडिंग रहती है, काफ़ी जैकेट की डिमांड रहती है, ये जैकेट आप देख सकते हैं, चेन आपको ऊपर मिल जाएगी। हाँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ खोल के, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या खासियत हैं इस चीज़ें में, ये देखिए आप। और मेरे पास एक जैकेट कोबरा कलर की है, सारा सिस्टम ऐसा ही रहेगा, अंदर ब्लैक है और ये बाहर कोबरा कलर की है। अच्छा सर। इसकी बहुत डिमांडिंग होती है। और मैं ये चीज़ और बता दे रहा हूँ, विंचीटर आपने ग्रीन देखा था ना, मेरे पास कम्बाइंड विंचीटर है, दिखा दीजिए, ये देख लीजिए आप, अंदर जाली लगी हुई है कंबाइन में। इसमें भी सारे साइज आपको मिल जाएंगे। अच्छा सर ठीक है। और ये विंचीटर के बाद एक जैकेट मेरे पास और स्टैंड कॉलर की, बहुत लोग मांगते हैं ये, भारत का लोगो और ये भारत के लोगों के साथ। हाँ भारत के लोगों की बनी है। और ये आपकी ये 2-in-1 जैकेट है भाई, 2-in-1। हाँ 2-in-1 बहुत डिमांड होती है, 2-in-1 जैकेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अंदर से ब्लैक और बाहर से। हाँ ये हो गए आपके। और मेरे पास अभी एक नया लेटेस्ट सेगा शूज आए हैं जो ब्लैक में, आपने देखा होगा ब्लैक और नीचे बॉर्डर बना होगा व्हाइट का, लेकिन अब ऑल टोटल ब्लैक हो गया है ये टोटल। हाँ ये बहुत चल रहा है, इसमें डिमांडिंग में बहुत है ये, इंटरव्यू के लिए भी लग रहा है, रनिंग के लिए भी लग रहा है, और गेम खेलने के लिए भी लग रहा है काफी। इसमें मारा मेरे 7 से 10 तक आपको साइज मिल जाएंगे, सारे एक दिखाइए मैं दिखा देता हूं। आप ये देख सकते हैं, आप इसका बैग भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है फिर आप ये रख लीजिए ठीक है। और आपके पास स्लीपिंग बैग आप कहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपके पास? देखिए मेरे पास ये मेरा तो ये पहला गोडाउन है, मेरे पास 3-4 गोडाउन है, मेरा नेक्स्ट जो गोडाउन है उसमें मैंने स्लीपिंग बैग रखे, क्योंकि जैकेट और विंचीटर इतने हैं कि यहाँ पे स्लीपिंग बैग की जगह नहीं बची रखने के लिए। मेरे पास स्लीपिंग बैग भी मैं 7 से 8 वैरायटी के, मेरे पास एडिडास का मिलेगा, रिबॉक का मिलेगा, मेंटोस का मिलेगा, मोंटोस को भी मिलेगा, उसमें भी काफ़ी वैरायटी के मिलेंगे ठीक है। ओके तो भी मैं नेक्स्ट जब गोदाम जाऊंगा, अभी चलते हैं तब मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। और एक बात मैं और बता दे रहा हूं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं स्लीपिंग बैग नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और उसमें मैं बारीकी से दिखाऊंगा कि है क्या चीज़। जैसे मैंने आपको जैकेट के बारे में एक चीज़ बताई कि इसमें है क्या चीज़, वैसे मैं स्लीपिंग के बैग के बारे में बताऊंगा ठीक है। ओके चलिए ठीक है। अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई वीडियो तो इसी में हम कंटिन्यू कर देंगे स्लीपिंग बैग, और अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको स्लीपिंग बैग की वीडियो
नहीं मिलेगी, मतलब प्रॉपर एक वो स्लीपिंग बैग के ऊपर रहेगी, उसमें और कुछ नहीं रहेगा। उसमें 8 से मेरे पास 7 वैरायटी के स्लीपिंग बैग है सारे, बाकी आप 4 लेयर 7 लेयर सारे मिलेंगे आपको, सारे मिलेंगे। हाँ, तो बाकी नॉर्मल से लेके ठंडी तक मेरे पास मिलेंगे। बाकी मैंने सारे ठंडी के स्टॉक दिखाई दिए हैं आपको, यहाँ तक जितने भी ठंडी के जितने भी पास नए आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो बाकी सारा कवर हो चुका है। हाँ, बाकी सारा कवर और सारे दिखा दिए। आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, मैं भूल गया था आपको दिखाने के लिए, ये हैनक, ये ठंडी में बहुत दिखते हैं, ये हैनक है, ये हाईनेक मतलब गले पे। हाँ, गले में ऐसे पहन के आप कुछ भी करते हैं, मतलब चेस्ट पे आपकी ठंडी ना लगे। अच्छा, बॉर्डर अच्छा। पे ही बहुत ज्यादा दिखते हैं। और बाकी तो भी है मेरे पास वैरायटी की है, कैप है ये मेरे पास, ये देखिए अंदर ब्लैक है बाहर ग्रीन है, ये हाफ में ना, ये हाफ में ये ग्लव्स, ये मतलब कैप है मेरे पास। बाकी सारा कवर हो चुका है, मैंने आपको सारा दिखा दिया है टू जेड क्या क्या चीज। तो चलते हैं फिर आपके दूसरे गोडाउन। ठीक है, वहाँ शूट करते हैं। ठीक है, यहाँ खत्म करते हैं। ये मेरा दूसरा गोडाउन है और सारे स्लीपिंग बैग रखे हुए हैं अंदर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको।